उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां सिकंदरा राव क्षेत्र में आयोजित एक सत्संग में मंगलवार को भगदड़ मच गई, जिसमें खबर लिखे जाने तक 121 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इस घटना पर सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि यह कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी भगदड़ में बड़ी संख्या में लोगों की जानें जा चुकी हैं। आइए आपको पहले की कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। 31 मार्च 2023 को इंदौर में एक मंदिर में रामनवमी के अवसर पर आयोजित हवन कार्यक्रम के दौरान एक प्राचीन बावड़ी के ऊपर बना स्लैब ढह गया था, तब बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे ही 1 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। 14 जुलाई 2015 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जिले में पुष्करम उत्सव में गोदावरी नदी में स्नान के दौरान भगदड़ मचने से 27 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। 3 अक्टूबर 2014 को दशहरा समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद पटना के गांधी मैदान में भगदड़ मचने से 32 लोगों की मौत हो गई थी और 26 अन्य घायल हो गए थे। 13 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान पुल टूटने की अफवाह से भगदड़ मची थी, जिसमें 115 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 19 नवंबर 2012 को पटना में गंगा नदी के तट पर छठ पूजा के दौरान एक अस्थायी पुल के ढह जाने से मची भगदड़ में लगभग 20 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो गए थे। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर हर की पैड़ी घाट पर मची भगदड़ में 20 लोगों की मौत हो गई थी। 14 जनवरी 2011 को केरल के इडुक्की जिले के पुलमेडू में एक जीप के तीर्थयात्रियों से टकरा जाने के कारण मची भगदड़ में कम से कम 104 श्रद्धालुओं की मौत और 40 से अधिक घायल हो गए थे। 4 मार्च 2010 को यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में भगदड़ मचने से लगभग 63 लोगों की मौत हो गई थी। 30 सितंबर 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में बम की अफवाह से मची भगदड़ में लगभग 250 श्रद्धालुओं की मौत और 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 3 अगस्त 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नैना देवी मंदिर में मची भगदड़ से 162 लोगों की मौत हो गई थी और 47 लोग घायल हो गए थे। 25 जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंधार देवी मंदिर में वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान 340 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। 27 अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले में स्नान के दौरान भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 140 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल इन आंकड़ों को देखकर साफ हो जाता है कि भगदड़ में ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। उसके बाद भी कार्यक्रम के आयोजक और प्रशासन सबक नहीं ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि हर साल कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते रहे हैं और लोगों की जानें जाती रही हैं, जो प्रशासन और कार्यक्रम के आयोजकों की लापरवाही को दर्शाता है।